उसके बाद ये फरमाएगा वला तक्तलु अनफुसकुम, तुम अपने आप को कत्ल मत करो, खुदकुशी हराम है। आदमी जिंदगी से तंग आ गया, गाड़ी के नीचे आ गया, आदमी जिंदगी से तंग आ गया, बस के नीचे आ गया, आदमी जिंदगी से तंग आ गया, किसी आबशार में गिर पड़ा, आदमी जिंदगी से तंग आ गया, पहाड़ी पर से कूद करके उसने जान दे दी। एक शेर एक दफा मैंने सुनाया था नहीं, के शकीब जलाली का, कि मलबूस खुशनुमा है मगर जिस्म खोखले, मलबूस खुशनुमा है मगर जिस्म खोखले, छिलके सजे हुए हैं फलों की दुकान पर। इस शेर का शायर शकीब जलाली गाड़ी के नीचे आ गया था, खुदकुशी कर लिया था जी। इस शायर ने जवानी ही में खुदकुशी कर ली थी, इतना अजीम शायर। मुझको गिरना है तो फिर अपने ही कदमों में गिरूं, जिस तरह साये दीवार पे दीवार गिरे। मैंने दीवाने शकीब जलाली पढ़ी है, और शकीब जलाली की दीवान क्या, गालिब से लेकर अर्श मलसियानी तक तमाम शुरा को अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ चुका हूं जी। तो वला तक्तलू अनफुसकुम, तुम अपने आप को कत्ल मत करो, खुदकुशी को हराम करार दिया गया है। आदमी कितनी भी तकलीफ में मुब्तला क्यों ना हो, कितनी ही परेशानी के अंदर क्यों ना मुब्तला हो, कैसी मुसीबत उसके ऊपर आ जाए, खुदकुशी करना जायज नहीं है। वला तक्तलू अनफुसकुम, तुम अपने आप को कत्ल मत करो।